आज कितना मजा आ रहा है बैडमिंटन खेलने में। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, रुको मैं तो वंदे को भी बुलाकर लाती हूँ। वंदे वंदे चलो ना, आज हम बैडमिंटन खेलते हैं। पता है आज मौसम बहुत अच्छा है, घर से बाहर तो आओ। नहीं नन्नी, तुम लोग खेलो, आज मैं कुछ बहुत आवश्यक कार्य कर रहा हूँ। ओहो वंदे, तुम आज भी लैपटॉप में लगे हुए हो, जानते हो ना अच्छी सेहत के लिए खेलकूद बहुत जरूरी है। हाँ हाँ नन्ही, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आज बहुत आवश्यक कार्य कर रहा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? तुम आज भी कुछ आवश्यक कार्य कर रहे हो? अच्छा, कहीं आज के कार्य का संबंध भी तुम्हारे ई गवर्नेंस से तो नहीं है? हाँ, मैं ई गवर्नेंस द्वारा मिलने वाली सेवाओं का लाभ उठा रहा हूँ। ई गवर्नेंस के माध्यम से आज हमारे गांव वालों को कई प्रकार की सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही है। हाँ वंदे, तुमने मुझे बताया था कि आज पासपोर्ट, पैन कार्ड, PMAY, फसल बीमा, डिजिटल वित्तीय लेनदेन की सुविधाएं, भूमि रिकॉर्ड एवं भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी अन्य तरह की सेवाएं भी घर बैठे ही मिल रही हैं। हाँ नन्ही, तुम्हें मालूम है आधार कार्ड का पंजीकरण व अपडेट, चुनाव आयोग की सेवाएं, ई रिचार्ज, बिल संग्रह और ई कॉमर्स जैसी सुविधाएं तो आज हमें मिल ही रही हैं। इसके अलावा भी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से कई तरह की सुविधाएं मिल रही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम? ये भला डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है वंदे? ई गवर्नेंस के तहत डिजिटल इंडिया किसी अम्ब्रेला प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहा है। विविधताओं से भरे भारत जैसे विकासशील देश में शासन की जटिलताओं को कम करने में व नागरिकों के मध्य संबंध मजबूत करने में इसका अहम योगदान है। मुझे भी इसके बारे में विस्तार से बताओ ना वंदे। हाँ हाँ बताता हूँ, तुम्हें ही नहीं यहाँ बैठे सभी लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन एक बार हमारे प्रतिनिधियों को कहो कि ताली तो बजा दें। हाँ हाँ एक बार जोर से हमारे लिए ताली बजा दीजिए। हमारे लिए ही नहीं, अपने लिए भी ताली बजा दीजिए। आप भी तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए मेहनत कर रहे हैं। चलो चलो, अब मुझे ई गवर्नेंस के तहत चलने वाले डिजिटल इंडिया के बारे में बताओ। हाँ, ध्यान से सुनो। डिजिटल संचार के माध्यम से सरकार एक तरफ जहां किसी भी तरह की सेवा, सहायता और सूचना गांवों तक पहुंचा सकती है, तो वहीं ग्रामीण भी घर बैठे आवेदन, अद्यतन शुल्क व नामांकन आदि का लाभ उठा सकते हैं। विविधताओं से भरे भारत जैसे विकासशील देश में शासन की जटिलताओं को कम करना व सरकार एवं नागरिकों के मध्य संबंध मजबूत करना आसान काम नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि बहुत मजबूती के साथ ई गवर्नेंस योजना से हर गांव को जोड़ा जाए। नदियों, पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों और बड़े पैमाने पर बर्फीली चट्टानों के कारण जम्मू कश्मीर में ग्राम स्तर पर संचार करना या वहां सेवाएं प्रदान करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इन सभी भूगोलिक चुनौतियों से निपटने में इंटरनेट सहायक है। डिजिटल इंडिया के तहत क्या क्या हो रहा है वंदे, जरा विस्तार से तो बताओ। डिजिटल इंडिया के तहत कई तरह के कार्य हो रहे हैं। इस अभियान में जैम भी किसी सामाजिक क्रांति की तरह काम कर रहा है। ये भला जैम क्या है? हाँ चलो मैं तुम्हें जैम के बारे में बताता हूँ। डिजिटल इंडिया अभियान में जैम ने
किसी सामाजिक क्रांति की तरह काम किया है। इसने सरकार, अर्थव्यवस्था और विशेषकर गरीबों के लिए विकास के नए दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे उन्हें पर्याप्त लाभ मिल रहा है। आज जैम के माध्यम से गरीबों को सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएं मिल रही हैं और वो किसी भी प्रकार की वित्तीय परेशानियों से मुक्त हैं। सरकार को भी सब्सिडी देने में सुविधा हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज देश में जैम की वजह से सरकारी वित्त में सुधार हो रहा है और इसकी वैधता अधिक मजबूत हो रही है। ये संसाधनों को नागरिकों तक पहुंचाने में अधिक विश्वसनीय तरीके से काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री जन धन योजना को लोकप्रिय बनाने में भी इसका बड़ा योगदान है। 2014 में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुरू हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना आज 30 करोड़ से भी अधिक परिवारों तक पहुंच चुका है। आज बड़े स्तर पर जैम की सहायता से लोग बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। जैम की उपलब्धियां। आज जैम की सहायता से PMJDY के तहत नागरिकों को सभी प्रकार की वित्तीय सहायताएं मिल रही हैं। वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत न्यूनतम KYC में बैंक खाते खुल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए रुपए कार्ड और बिना किसी झंझट के क्रेडिट और बीमा सुनिश्चित करने में आसानी हो रही है। अभी तक 30 करोड़ से अधिक PMJDY खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में लगभग 18 करोड़ से अधिक की संख्या ग्रामीणों की है। अभी तक 23 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इन सभी के अलावा सरकार द्वारा गरीबों की सुरक्षा के लिए जीवन और किसी दुर्घटना के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में जैम का बड़ा योगदान है। जैम ट्रिनिटी क्या है? जैम सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल भुगतान का बुनियादी ढांचा है, जिसकी सहायता से लोग डिजिटल क्रांति की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। आज जैम PMJDY, आधार कार्ड और मोबाइल से जुड़कर सामाजिक क्रांति के रूप में काम कर रहा है। जैम की सहायता से ही भारत में करीब 52.4 करोड़ से अधिक आधार कार्ड, 73.62 करोड़ खातों से जुड़ सके हैं। भीम ऐप और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI को चलाने में भी जैम अपनी भूमिका निभा रही है। भारत में आधार कार्ड को बैंक खातों व मोबाइल फोन से जोड़कर इसने डिजिटल इंडिया को बहुत प्रोत्साहित किया है। जैम किसी क्रांति की तरह सभी भारतीयों को एक समान वित्तीय, आर्थिक व डिजिटल सेवाओं से जोड़ रही है। वाह, इस तरह से तो हमारे ग्रामीणों को कई तरह की सहायता प्राप्त हो जाएगी। हाँ, इस तरह से ग्रामीणों को कई सुविधाएं मिलेंगी। वैसे सहायता से याद आया कि लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार ने कॉमन सर्विस सेंटर खुलवाए हैं, जिसमें ई गवर्नेंस के अंतर्गत डिजिटल इंडिया अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभा रही है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ।
गांव में आज CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की सहायता से न सिर्फ लोगों को कई सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि रोजगार के साधन भी मिल रहे हैं। खुद का कोई काम शुरू करने वाले युवाओं के लिए कॉमन सर्विस सेंटर किसी अवसर की तरह है। ये सेंटर कई सरकारी दस्तावेजों को बनाने, उन्हें एक दूसरे से लिंक करने, अपडेट करने आदि में सहायक हैं। बता दें कि CSC सेंटर देश के सभी राज्यों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम कर रहा है। क्या है कॉमन सर्विस सेंटर? CSC सेंटर डिजिटल सेवा को चलाने वाला एक केंद्र है। कॉमन सर्विस सेंटर मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों तक सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को पहुंचाने का एक जरिया है। आज इसकी सहायता से कृषि, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शिक्षा, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के साथ साथ लोगों को अन्य सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसलिए ये ई गवर्नेंस का अभिन्न अंग है। CSC पर होने वाले कार्यों की सूची। CSC पर जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिट कार्ड, आवेदन फॉर्म, पेंशन अप्लाई, ITR और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन दिए जा सकते हैं। इसके अलावा बिजली बिल के भुगतान, ट्रेन, एयरलाइंस टिकट और सरकारी कामों के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। कैसे होती है कमाई? जम्मू कश्मीर के ग्रामीण युवा अगर CSC केंद्र खोलते हैं तो उन्हें हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर सरकार द्वारा 11 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा उन्हें रेल, बस और हवाई जहाज के टिकट पर भी कुछ रुपए मिलेंगे। आमतौर पर ऐसे कार्यों के लिए CSC संचालक 10 से 20 रुपए तक का चार्ज लेते हैं। बिलों के भुगतान और सरकारी योजना में रजिस्ट्रेशन जैसे कई काम आज CSC की सहायता से ही हो रहे हैं, जिससे भी CSC संचालकों को अच्छी कमाई हो रही है। कॉमन सर्विस सेंटर खोलने के लिए पात्रता। CSC सेंटर खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। आपकी शिक्षा कम से कम 10वीं कक्षा तक होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। आपके पास 100 से 200 वर्ग मीटर की खाली जगह होनी चाहिए। आपके पास कम से कम 2 कंप्यूटर होने चाहिए। आपके पास कम से कम 1 पावर बैकअप होना चाहिए। आपके पास एक प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। आपके पास स्कैनर और वेबकैम का होना आवश्यक है। TES सर्टिफिकेट है जरूरी। CSC खोलने के लिए CSC ID की जरूरत होती है। ID प्राप्त करने के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके लिए कुछ फीस भी देनी होती है। सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए www.cscentrepreneur.in पर जाना होता है। यहाँ एक टेस्ट देना होता है, जहाँ पास होने पर ये सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसे खोल सकते हैं CSC। नए रजिस्ट्रेशन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.csc.gov.in पर जाना है। यहाँ नीचे की तरफ CSC VLE रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, जहाँ आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगले पेज पर आपको अप्लाई में जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ TES सर्टिफिकेट नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालने का ऑप्शन होगा, जिसे पूरा करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको अपना नाम,
आधार कार्ड संख्या, प्रमाणीकरण प्रकार और साथ ही कैप्चा कोड भरना होता है। यहां आपको आवासीय, बैंकिंग दस्तावेज और अन्य तरह की जानकारी भी देनी होगी। पैन कार्ड की कॉपी स्कैन करने के बाद वहां पर लगाए आपको अपनी फोटो भी वहां पर अपलोड करनी होगी। अपनी एप्लीकेशन की पुष्टि करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। पंजीकरण की पुष्टि के लिए प्रोसेस पूरी होने के बाद रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पर एक मेल आता है। पुष्टि प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन पूर्ण हो जाता है। आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। वाह, इस तरह से तो लोग कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। सीएससी सेंटर खोलने के लिए भी सामान्य दस्तावेजों की ही आवश्यकता है, किसी विशेष तरह के दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। हाँ नन्ही, वैसे तुम्हें मालूम है डिजिटल इंडिया के तहत डिजिटल लॉकर की सुविधा भी दी गई है, मतलब कि अब दस्तावेजों को संभाल कर रखना या उन्हें अपने साथ रखना पहले से बहुत आसान हो गया है। ध्यान देने वाली बातें, डीजी लॉकर सुरक्षा के मामले में भी नंबर एक है। ये किसी बैंक अकाउंट की तरह एकदम गोपनीय है। इसके उपयोग के लिए हमें एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है। डीजी लॉकर को अपने आधार कार्ड से लिंक करना आवश्यक है। ये केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही चल सकता है। इस तरह बनाएं डीजी लॉकर का अकाउंट। डिजिटल लॉकर का उपयोग करने के लिए आपको पहले वेबसाइट पर अपने आप को पंजीकृत करना होगा। हालांकि डीजी लॉकर वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों ही रूप में उपलब्ध है, इसलिए अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल में भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले digilocker.gov.in पर जाएं। यहां आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। यहां क्लिक करें। यहां नया पेज खुलेगा। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करते ही आपके फोन पर एक OTP आएगा। अब आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने का विकल्प आएगा। अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करने के बाद आप इस लॉकर का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह करें डीजी लॉकर में दस्तावेजों को सुरक्षित। अपने दस्तावेजों को डीजी लॉकर में सुरक्षित करने के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है। अगर स्कैनर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स की एक क्लियर फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। डीजी लॉकर पर लॉग इन करने के बाद अपलोड दस्तावेज के ऑप्शन पर जाएं। यहां अपलोड पर क्लिक करें। अपने दस्तावेज के बारे में संक्षिप्त विवरण लिखें ताकि आपको याद रहे कि दस्तावेज आखिर है क्या। अपलोड बटन पर क्लिक करें। आपका दस्तावेज सुरक्षित हो जाएगा। कुछ ध्यान देने वाली बातें, यहां आप अपनी 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन आदि की मार्कशीट के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज सुरक्षित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आप अधिकतम 50 MB तक के दस्तावेज ही यहां रख सकते हैं। दस्तावेजों को फोल्डर बनाकर रखना ज्यादा बेहतर है। अधिकतर सरकारी कामों में भी डीजी लॉकर में रखे गए दस्तावेज मान्य होते हैं। भारतीय रेलवे ने भी डीजी लॉकर को मान्यता दी है। ट्रैफिक पुलिस, रेल यात्रा या अन्य जगहों पर जांच पड़ताल के लिए डीजी लॉकर में रखे गए दस्तावेज मान्य होते हैं। डीजी लॉकर के फायदे, इसमें रखे दस्तावेज कभी खराब नहीं होते। दस्तावेजों के चोरी होने का डर नहीं है। दस्तावेजों को खोने का डर नहीं है। आप अपने दस्तावेजों को कभी भी
कहीं भी देख सकते हैं या उनका उपयोग कर सकते हैं। अधिकतर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं डिजी लॉकर में रखे दस्तावेजों को मान्यता देती हैं। दस्तावेजों को किसी के साथ शेयर करना, किसी को भेजना, किसी से प्राप्त करना आसान है। वाह वाह, ई मनी के बारे में तो सुना था, लेकिन ई दस्तावेज तो पहली बार ही सुना। मतलब कि अब इंटरनेट पर भी सभी तरह के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सकेगा। हाँ नन्ही, वैसे तुम्हें मालूम है सरकार पैसों को सुरक्षित रखने के लिए और उसका हिसाब रखने के लिए भी कई तरह की सेवाएं ई गवर्नेंस के तहत प्रदान कर रही है। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताओ ना। हाँ चलो, मैं तुम्हें प्रोविडेंट फंड के बारे में बताता हूँ। इस तरह से करें मोबाइल में डाउनलोड। इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करने के लिए आपको एंड्रॉइड फोन में सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ सर्च के विकल्प पर आपको उमंग टाइप करना है। आपके सामने उमंग ऐप का ऑप्शन आएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए इंस्टॉल पर क्लिक करें। ऐप डाउनलोड होने के बाद इसमें अपना पंजीकरण करें। अगर आप एप्पल यूजर हैं तो इस ऐप को एप्पल ऐप स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह करें उमंग में अपना पंजीकरण। इस ऐप को खोलने पर आपके सामने न्यू यूजर का ऑप्शन आएगा। पंजीकरण के लिए आपको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। नंबर दर्ज करने के बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐप आपसे आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको एक ओटीपी मिलेगा। स्क्रीन पर अपना ओटीपी डालें। ओटीपी दर्ज करते ही आपके सामने एम पिन सेट करने का ऑप्शन आएगा। अपना एम पिन टाइप करें और कंफर्म एम पिन पर क्लिक करें। आपको अब प्रोसीड के ऑप्शन का चयन करना है। आपके सामने सिक्योरिटी से जुड़े कुछ सवाल आएंगे। इन सवालों के जवाब दें। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। अगर आप आधार नंबर नहीं दर्ज करना चाहते तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर जाकर स्किप पर क्लिक कर सकते हैं। यूजर को अपनी प्रोफाइल की डिटेल दर्ज करनी है और सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस संपूर्ण हो जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होते ही आप होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तुम्हें तो ई गवर्नेंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है वंदे। कल तुम घर बैठे ही आधार कार्ड में अपडेट कर रहे थे और आज तुमने मुझे इतना कुछ बता दिया। लेकिन तुम आधार कार्ड संबंधी सेवाओं का लाभ कैसे उठा रहे थे, ये तो बताओ। हाँ हाँ बताता हूँ। मैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI द्वारा ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करने समेत अन्य कई तरह की सुविधाओं का लाभ एम आधार ऐप से उठा रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने लोगों को ऑनलाइन आधार कार्ड डाउनलोड करने समेत अन्य कई तरह की सुविधाएं दी हैं। जी हाँ, एम आधार ऐप डाउनलोड करके आप 35 से अधिक आधार से जुड़ी सेवाएं घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। आधार कार्ड में किसी तरह के बदलाव के साथ ही UIDAI आपको अपनी पहचान को वेरीफाई करने की सुविधा भी देती है। आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी ना होने पर अब आप मुसीबत में नहीं पड़ सकते। बस आपको एम आधार ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप को एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से और iOS यूजर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
एम आधार ऐप से इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। एम आधार ऐप की सहायता से आप अपना आधार कहीं भी और कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मदद से आप आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं, जैसे एड्रेस में अपडेट, फोन नंबर अपडेट, नाम में बदलाव आदि। इस ऐप की सबसे खास बात तो यही है कि ये QR कोड को जनरेट करने और बिना इंटरनेट के EKYC को साझा करने में भी सहायक है। बता दें कि पहले इस तरह की सेवाओं के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था या UIDAI की वेबसाइट पर जाना पड़ता था। इस ऐप की सहायता से आप उपलब्ध सेवाओं का स्टेटस चेक कर सकते हैं, साथ ही आप इसकी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए आधार कार्ड से अन्य तरह के अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से इस लिंक के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग आधार एनरोलमेंट फॉर्म या आधार अपडेट करेक्शन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए भी कर सकते हैं। ये ऐप रजिस्टर किए गए प्रोफाइल को बायोमेट्रिक लॉक, अनलॉक या आधार नंबर को लॉक अनलॉक करने की सुविधा भी देता है। हालांकि ये सुविधाएं UIDAI की वेबसाइट या SMS के जरिए भी पाई जा सकती हैं। कुछ ध्यान देने वाली बातें। इस ऐप का उपयोग भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। ऐप के उपयोग के लिए स्मार्टफोन और भारतीय मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। एम आधार ऐप को डाउनलोड व इंस्टॉल करने के बाद इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए फोन नंबर का आधार कार्ड के साथ लिंक होना अनिवार्य है। सेवाओं का लाभ उठाने के लिए मोबाइल नंबर का UIDAI के रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। ऐप का उपयोग करने के लिए मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन का होना अनिवार्य है। इस ऐप को एंड्रॉइड वर्जन 5.0 और इससे ऊपर व iOS फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। आधार संबंधी प्रोफाइलों की संख्या। UIDAI आपको अपने परिवार के सदस्यों के आधार प्रोफाइल को जोड़ने की सुविधा भी देता है। इस ऐप की सहायता से 3 आधार कार्ड नंबर तक जोड़े जा सकते हैं। अलग अलग मोबाइल नंबरों के लिए ऐप ने प्रोफाइल रजिस्टर करने को आधार कार्ड धारक OTP साझा कर सकता है। इस तरह एक ही मोबाइल फोन में ऐप द्वारा परिवार के अन्य सदस्यों का प्रोफाइल जोड़ा जा सकता है। इस प्रोफाइल का इस्तेमाल पहचान के तौर पर भी किया जा सकता है। एम आधार से लोगों को मिल रही हैं सुविधाएं। कहीं भी आने जाने, ठहरने या यात्रा करने के लिए अब आपको मूल आधार कार्ड लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड से जुड़ी लगभग सभी तरह की सेवाओं का लाभ इस ऐप के सहारे उठाया जा सकता है। एम आधार पूरी तरह से गोपनीय है, इसलिए आपके और आपके परिवार की पूरी जानकारी सुरक्षित है। एम आधार पर आप QR कोड स्कैन करके अपनी जानकारी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। उपयोगकर्ता अपना EKYC मैसेज या ईमेल करके सीधे एजेंसी से संपर्क कर सकता है। आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं तो निशुल्क है, लेकिन ऑनलाइन सेवाओं के लिए भी तो पैसे लगते होंगे। लोग आवेदन की फीस, बिजली बिल, स्कूल की फीस आदि कैसे भरते होंगे? वो काम तो मोबाइल या कंप्यूटर नहीं कर सकता ना? अरे नहीं नन्ही, सरकार ने लोगों को सभी तरह की सुविधाओं को ई माध्यमों से पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक लेन देन के लिए लोग
भारत इंटरफेस फॉर मनी मतलब कि भीम ऐप का उपयोग कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। एक नई ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम रखा है भीम। आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। एक जमाना था अनपढ़ को अंगूठा छाप कहा जाता था, वक्त बदल चुका है, अंगूठा आप ही का अंगूठा आपकी बैंक, आप ही का अंगूठा आपकी पहचान, आप ही का अंगूठा आपका कारोबार। कितना बड़ा रिवॉल्यूशन आ रहा है। भीम ऐप के लाभ। हालांकि देश में पहले से ही UPI ऐप मौजूद है, लेकिन भीम इन सभी ऐपों से कुछ अलग, कुछ नया है। भीम ऐप दूसरे UPI एप्लीकेशन और बैंक अकाउंट के साथ मिलकर आराम से पैसों की लेन देन करने में सक्षम है। इसकी सहायता से पैसों को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आराम से भेज और प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई अन्य UPI माध्यम का उपयोग कर रहा है तो भी भीम ऐप की सहायता से उसे पैसे भेजें या उससे पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। मात्र उस व्यक्ति का UPI ID डालकर पैसा भेज या प्राप्त कर सकते हैं। अलग से बैंक डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। अगर प्राप्तकर्ता के पास UPI ऐप नहीं भी है तो भी आप भीम ऐप से उसे बैंक IFSC कोड और MMID कोड डालकर पैसे भेज सकते हैं। अंग्रेजी के अलावा ये ऐप हिंदी भाषा को भी सपोर्ट करता है। सरकार का लक्ष्य है कि धीरे धीरे इसमें अन्य भाषाओं को भी जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण और अन्य प्रदेशों के स्थानीय लोग भी इसका लाभ उठा सकें। भीम ऐप से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐप के द्वारा हुआ लेन देन पूरी तरह से गोपनीय है। इस तरह करें डाउनलोड। सबसे पहले तो इस बात को समझ लें कि भीम ऐप का उपयोग करने के लिए बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य है। ऐप को डाउनलोड करने के लिए फोन में प्ले स्टोर पर जाएं, यहां सर्च के ऑप्शन पर भीम एप्लीकेशन लिखें, आपके सामने ऐप आ जाएगा। अब यहां इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। इंस्टॉल के बाद ऐप को खोलें। ऐप के खुलते ही आपसे भाषा के चयन के बारे में पूछा जाएगा। यहां आप अपनी भाषा का चयन करें। अंग्रेजी या हिंदी के चुनाव के बाद आगे बढ़ें और नेक्स्ट के विकल्प पर जाएं। आपके सामने स्क्रीन पर वेलकम लिखा आएगा। यहां से नेक्स्ट के ऑप्शन पर जाने के बाद भीम ऐप की अन्य सेवाएं आपको दिखने लग जाएंगी। आप UPI ID या उसके QR कोड की सहायता से पैसे भेज या प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। भीम ऐप के माध्यम से तो लोग सभी तरह की लेन देन कर सकते हैं। हाँ, तुम्हें मालूम है लोगों को आवास दिलाने में भी ई गवर्नेंस सहायक है। लोग आवास ऐप के माध्यम से कई तरह की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। भारत में आवास की कमी की समस्या गंभीर है। हमारे देश में बड़े तादाद में लोग या तो बेघर हैं या कच्चे मकानों में रह रहे हैं। तंग गलियों के जर्जर मकानों में आए दिन आगजनी व अन्य तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं।
वहीं दूसरी तरफ स्वच्छ हवा एवं रोशनी के अभाव में लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अनुसार केंद्र सरकार समतल भूमि पर पक्का घर बनाने के लिए 1,20,000 और पहाड़ी क्षेत्र में घर बनाने के लिए 1,30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। किसी भी तरह की धांधली से बचने के लिए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि योजना की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में डाली जाए। इस तरह करें डाउनलोड। ऐप को डाउनलोड करने के लिए फोन में प्ले स्टोर पर जाएं। यहां सर्च के ऑप्शन पर पीएम आवास एप्लीकेशन लिखें। आपके सामने ऐप आ जाएगा। अब यहां इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। इंस्टॉल के बाद ऐप को खोलें। क्या ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिल सकता है? अरे ई गवर्नेंस के आने से सबसे अधिक लाभ तो कामगार लोगों को ही हुआ है। तो क्या ई गवर्नेंस के आने से हमारे प्रदेश में भी लोगों को रोजगार मिले हैं? आज ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को मनरेगा की हर योजना घर बैठे ही पता लग जाती है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ। जम्मू कश्मीर के गांवों में अब खुशियां पैर पसार रही हैं। काम की तलाश में पलायन नहीं हो रहा, स्वाभिमान के साथ लोगों को काम मिल रहा है। गांवों में ही जल संरक्षण, बागवानी, गौशाला, वृक्षारोपण, लघु सिंचाई एवं ट्रकबंध से जुड़े अनेक कार्य हो रहे हैं। लोग आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। चलिए इस योजना और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है मनरेगा योजना? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को आम भाषा में लोग मनरेगा के नाम से जानते हैं। भारत सरकार की ये योजना ग्रामीणों को रोजगार की गारंटी देती है। आज देश के लाखों गरीब और बेरोजगार परिवारों के लिए ये योजना आजीविका का साधन साबित हो रही है। मनरेगा योजना के उद्देश्य। मनरेगा योजना का लक्ष्य ग्रामीणों के जीवन को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त करना है। योजना का लक्ष्य है कि ग्रामीण भारत में निवास करने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के लोगों को कम से कम प्रतिवर्ष 100 दिनों का रोजगार मिले। विकास कार्यों के साथ साथ गांवों की सुंदरता पर काम हो। ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार बढ़ाकर शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर रोक। गरीब परिवारों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना। गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करना। समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना। भारत में पंचायती राज प्रतिष्ठानों को और मजबूत बनाना। इस तरह करें जन मनरेगा ऐप को डाउनलोड। जन मनरेगा मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। यहां सर्च बॉक्स में जन MGNREGA टाइप करें। आपके सामने जन मनरेगा का ऐप आ जाएगा। यहां इंस्टॉल के ऑप्शन पर जाएं। तुमने मुझे जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में बताया था। क्या उस योजना का लाभ भी लोग घर बैठे उठा सकते हैं? हाँ,
उस योजना को घर घर पहुंचाने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से मिशन अंत्योदय एंड्रॉइड मोबाइल ऐप बनाया है। इस ऐप का उपयोग सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। चलो मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मिशन अंत्योदय एंड्रॉइड मोबाइल ऐप बनाया गया है। इस ऐप का उपयोग सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। आज इस ऐप की सहायता से देश के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की तरह जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र भी दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लाभ उठा पा रहे हैं। इस ऐप की सहायता से जहां एक तरफ ग्रामीणों की आजीविका में निरंतर वृद्धि हो रही है, वहीं उन्हें वित्तीय सेवाओं से जुड़ी जानकारियों का लाभ भी मिल रहा है। ग्रामीण महिलाओं के जीवन को सरल बनाने और उन तक सरकारी मदद पहुंचाने में इस ऐप का अहम योगदान है। दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं और इन कार्यों की जानकारी बड़ी आसानी से लोगों को घर बैठे मिशन अंत्योदय ऐप से मिल सकती है। दीनदयाल अंत्योदय ऐप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर व्यापार करने में सहायता प्रदान कर रही है। इस तरह करें जन अंत्योदय ऐप को इंस्टॉल। अंत्योदय मिशन मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। यहां सर्च बॉक्स में अंत्योदय मिशन टाइप करें। आपके सामने अंत्योदय ऐप आ जाएगा। यहां इंस्टॉल के ऑप्शन पर जाएं। आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। वाह, क्या बात है, तुमने तो मुझे कितनी सारी जानकारी दी। वैसे क्या एक बात मैं भी बताऊं? हाँ हाँ बताओ ना नन्ही। तुम्हें मालूम है, कोरोना संकट में भी ई गवर्नेंस ने लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी हैं। तुम कहीं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में तो नहीं बात कर रही? हाँ, मैं इसी ऐप के बारे में बताने जा रही थी। इस ऐप की सहायता से लोगों को कोरोना काल में कई तरह की सुविधाएं मिली हैं। अच्छा बताओ तो किस तरह की सुविधाएं? इस तरह करें आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं। यहां सर्च बॉक्स में आरोग्य सेतु टाइप करें। आपके सामने आरोग्य सेतु ऐप आ जाएगा। यहां इंस्टॉल के ऑप्शन पर जाएं। आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। यहां भाषा का चयन करें। अपने फोन की सेटिंग से ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन करें। यहां अपने आप को रजिस्टर करते हुए आई अग्री के बटन पर क्लिक करें। आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। अब आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐप को खोलने पर स्क्रीन के नीचे सेल्फ असेसमेंट का विकल्प दिखाई देगा। इस विकल्प पर जाते ही आपसे आपके लिंग और उम्र के बारे में सामान्य जानकारी मांगी जाएगी। आपसे इस बारे में भी पूछा जाएगा कि क्या आप कोरोना के सामान्य लक्षणों का सामना कर रहे हैं, जैसे खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई आदि। ऐप आपसे जानकारी मांगेगा कि क्या आपने कोरोना जांच करवाई है। आपको ये भी बताना है कि पिछले 14 दिनों के दौरान क्या आप किसी तरह की यात्रा पर रहे हैं। ऐप आपसे जानकारी मांगता है कि क्या आपको कभी कोरोना हुआ है या क्या आप कोरोना मरीज के साथ संपर्क में रहे हैं। ई गवर्नेंस की सहायता से तो गांवों की सूरत ही बदल रही है। हमारा गांव भी विकास की उड़ान भरेगा। हमारा गांव ही नहीं,
पूरा देश विकास की उड़ान भरेगा। परेशानियां होंगी कम, सेवाएं होंगी सुगम, डिजिटल सेवाएं मिलेंगी, सरकार की कार्यप्रणाली सुधरेगी। जय हिंद, जय भारत।